कसम से तुमको देखते ही तुम सोने का खजाना नजर आ रही हो मुझे नूर। दुबई के शेख हैं, बहुत रईस हैं, बहुत पैसा है। वो पहले 3 निकाह कर चुके हैं, चौथा निकाह करने के लिए यहाँ आए हैं। उनको हमारे यहाँ की लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। शादी मुझे नहीं करनी, मुझे शादी से डर लगता है। मैं चलती हूँ अब। फिर मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? तुमको जब वक्त दिया था वो पूरा हो गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये लड़की पसंद है। आपके लिए, आपकी भलाई के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं ऊपर वाले की कसम खाकर बोलूंगा। ये बाय इलेक्शन हमारे लिए सुनहरा मौका है। इसमें बड़ी मेजोरिटी में जीत हासिल करेंगे। इस सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है, ये बात फैला देंगे। ऑलरेडी रूलिंग पार्टी के आधे एमएलए आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके मुंह पर पैसे फेंको, पूंछ हिलाते हुए हमारी पार्टी में आ जाएंगे। उनको अपने साथ शामिल करके अगर अविश्वास की मांग करेंगे तो ये सरकार चुटकियों में गिर जाएगी। तो नेक्स्ट सीएम सागर भाई है। ये लोग जो आए हैं वो सोच रहे हो कि हमारे लिए आए हैं? आधे लोग टाइम पास के लिए आए हैं। हम ही नहीं, कोई भी बेवकूफ आके मीटिंग रखेगा तो भी ये लोग आ जाएंगे। आइटम सॉन्ग हो गए हम। और वो मेयर इलेक्शन में ज्यादा पैसे देकर जीतने की सीट कौन सी है? पल्लवरम भाई, पल्लवरम के एमएलए ने स्टेट के पॉपुलर कैंडिडेट को पैसा लगा के हरा दिया। कितना खर्चा किया होगा? 8 करोड़ तो जरूर लगाया होगा भाई। 8 करोड़? आप रुको भाई, हम 10 करोड़ लगाएंगे। 25 करोड़? क्या कहा, 25 करोड़? अभी उसको कुछ दिया नहीं है ना, इसलिए सब कर रहा है वो। पर अगर उसको जो चाहिए वो दे देंगे तो उसका मंसूबा है कि वो सब खा जाएगा। इस इलेक्शन में उसे जमीन दोस्त होना चाहिए, किसी हालत में उसे जीतना नहीं चाहिए। ये सीट हमें ही जीतनी होगी। सही है सर, लेकिन वो 25 करोड़ खर्च कर रहा है, हमें भी करना है क्या? 25 नहीं 50 करोड़। क्या? सर, इतने पैसे? 50 करोड़? कैसे? हमारा सन्यासी राजू ही अरेंज करेगा। मैं बहुत गरीब हूँ सर। गरीब? तो फिर सीबीआई में तुम्हारे लिकर सिंडिकेट के बारे में। घबराओ मत, बिग बॉस तुम्हारे ही फेवर में है। इस सिलेक्शन में अगर तुमने वो सीट जीत ली ना तो तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। पचास करोड़ 1 लाख? सर 50 करोड़ ओके। मेरे भाइयों सबको नरसिंह यादव का सलाम आदाब नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पैसों की पतंग का कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन इस साल इनाम की रकम 50,000 है। 50,000! इसमें भाग लेने वाले हर कॉम्पिटिटर को 500 रुपए जमा करने होंगे। पतंग को हवा में उड़ाकर जो भी सामने वाले की पतंग को काटेगा, पतंग के नीचे गिरने के बाद जो इस पतंग को पहले उठाएगा क्या बात है। पैसा मैं ही जीतूंगा। ₹50,000 की इन्वेस्टमेंट और 2 लाख रुपए की कमाई। अरे चल दे।
अरे कुछ हो गया ही नहीं। अरे क्या कर रहे हजार रख ले। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के जीते हुए 45,000 रुपए मुझे दे दिए। तुम ही मेरे असली दोस्त। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तब तेरी तो इतना ड्रामा मत कर। ये तुझे मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं तो क्या, अभी तो दुबई जा रहा है ना, वहाँ जाके जॉब में सेटल होने के बाद हम लोगों के लिए भी जॉब देख लेना, हम लोग भी आ जाएंगे तेरे साथ। अरे हम दुबई जाके क्या करेंगे? दुबई बे दुबई, वहाँ का एक दिरहम ना यहाँ का 15 रुपया है। वहाँ का 1 करोड़ कमाएंगे ना तो यहाँ का 15 करोड़। लाइफ सेटल हो जाएगी देखना। जिंदगी में खा के पी के लेकिन ऐश करने का ये एक्सरसाइज करके क्या मिलेगा? खामोश सुअर के बच्चे। हीरो और मॉडल्स को दिमाग ना हो तो भी चलता है, लेकिन बॉडी और सिक्स पैक्स बहुत जरूरी है। ऐसा क्या? ठीक है फिर करेक्ट है। इनका काम ही ठीक लग रहा है, करोड़ों कमा रहे। सीबीआई ने फाइल किया है कि बल्लारी माइनिंग स्कैम में 1 लाख करोड़। 2G स्कैम में 2 लाख करोड़ से ऊपर का घपला हुआ है। 2 लाख करोड़ इलीगल कोल की माइनिंग में 4 लाख करोड़ लाखों का करोड़ क्या है? सब ये पता करने में ये लक्ष्मी देवी भी क्या है, ऐसे डकैत लोगों के पास ही जाती है। हम जैसे लोगों के बारे में सोचती भी नहीं है क्या? एकदम करेक्ट भाई। ये 1 लाख करोड़ मतलब कितना होता है? 1 लाख करोड़ का मतलब बोलने से तेरी समझ में नहीं आएगा, दिखाता हूँ। पैसा है क्या तेरे पास? दिखा। ये कितना है? 10 है। हाँ। 100। 1,000।
10,000। फिर ये कितना एक्सपेक्ट किया था? लाख। लाख। 10 लाख। 10 लाख। करोड़। क्या बोल रहा है? करोड़ अम्मा। 10 करोड़। क्या 10 करोड़? 100 करोड़। हाँ 100 करोड़। 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। हाँ 10,000 करोड़। अम्मा 10,000 करोड़ लाख। एक लाख करोड़। हाँ 1,00,000 करोड़। जब शून्य ही इतने सारे हैं तो पैसे कितने लगते होंगे? क्या करेंगे इतने सारे पैसों का यार? कुत्ते बन के बचाना पड़ेगा, कोई चोरी करेगा ये सोचकर। 1 करोड़ रहेगा तो बस अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। हे चीचा, नूर आई है। नूर बेगम, क्यों आई हो यहाँ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है क्या? अरे रुको ना। कुछ नहीं है बोला ना। हाथ आगे करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसे पहन लो। जहांगीर दरगाह पर गई थी, मन्नत मांग कर आई हूँ। इसे पहनने से तुम्हारा अच्छा होगा, अल्लाह से दुआ की है। अपना ख्याल रखना, आप बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। पागल है। पकड़ के दिखा मुझे। आईजान रुको। अम्मी 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 कैसी हो दीदी? जब जीजा जी दवा खाने में थे तो आपने जो रकम ली वो अब ब्याज के साथ 4,60,000 हो गई है। अम्मी आपा जीजा जी तो निकल लिए, अब पैसे किससे मांगूं दीदी? हम कहां से लाएंगे पैसे? अरे अम्मी नहीं, घर में बैंक खोल रखी है और बोल रही हो कि पैसे नहीं है। उस मकबूल के लिए नूर मुजरा करेगी तो बहुत पैसा देगा बोला उसने। हर दिन एक बार ऐसा 10 दिन करेगी तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। आइडिया अच्छा है ना? अब सुनो एक बार, 15 दिन का टाइम देता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, तब भी अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो नूर को ले जाऊंगा। खुदा हाफिज। चलो रे चलो, अब देखते हैं क्या होता है। सहेली, यहाँ क्या काम है? हम जो कमाते हैं ना, उस कमाई में से 25% गरीबों को दान कर देना चाहिए, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। यही तो इस्लाम सिखाता है, और ये लोग बहुत मेहनत भी तो करते हैं। सलाम वालेकुम दीदी। सलाम। अजीम ओ शान शहंशाह फरमा रहे। अबे मेंढक इधर आ। अरे आना। कैसा दिख रहा हूँ बताना? निजाम के रोल्स रॉयस कार जैसे बिल्कुल चमक रहे हो भाई। अबे बेवकूफ, तेरी कार ड्राइवर वाली सोच गई नहीं ना, पुरानी कार से कंपेयर करेगा क्या मेरे को? चलो जल्दी पहनाओ, देर हो रही है। क्या ये? दूल्हे को फूल पहनने पड़ते हैं। जी जी जी, मैं नहीं पहनूंगा, फूल कंपलसरी है। मेरा फेस नहीं दिखेगा तो तुम्हारी शेरवानी कौन खरीदेगा? ड्यूप्लीकेट को रख लो। तुम खुद ही ड्यूप हो, तुम्हारा भी ड्यूप चाहिए? ऐसा क्या? बैक अप। 200 रुपया दे दो, पूरी सेटिंग कर देता हूँ। 200 रुपया दे दूँ? तुम लोग क्या मुझे समझे हो? नहीं है क्या तू? नहीं है तू चिच्चा? नहीं है तू? तू प्रोड्यूसर है, फोटो चाहिए कि नहीं? अच्छा ठीक है, तुम लोग लूट लो रहे मेरे को। अरे प्रकाश, शॉट ये है कि मैं फ्रेम को लो रखूंगा, तुम घोड़े पे चढ़ना। घोड़े पे चढ़ना? यस। पहले नहीं बताया मुझे, खाली शेरवानी पहनने की डील थी। फिर से पैक अप। क्या 400 रुपए देने होंगे? तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे रे। ठीक है, सीधा रहो सीधा। थोड़ा हाथ ऊपर। ओहो सही से। हाँ
हाथ हाथ अरे संभल के अरे अबे ये हिल क्यों रहा है इतना अरे मर गया अबे तोड़ क्यों रहा है जल्दी पकड़ उसे अबे इसको हिंदी आती है क्या रोको इसे रुक जाओ आई गया था ये क्या शादी है क्या कांग्रेचुलेशंस व्हाट नो 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 नॉट मैरिज आई मॉडल शेरवानी ओल्ड सिटी मैटर क्या है कि एड शूट घोड़ा आई स्टॉप घोड़ा नॉन स्टॉप आपने जो घाघरा चोली पूछा ना वो यही मिलेगा मैम स्टाइल है ना अरे ये तो घोड़े पर था मोटर गाड़ी पर कैसे आया रे हे ये तुम ही हो ना यस हाय मॉडल Also, wow. I only same color. You're really wow, yeah. तशरी. घोड़ा किधर है रे? अबे घोड़ा भांड में गया पागल चिच्चा. लक्ष्मी देवी आई है देखो. इधर आओ ना. अभी हमारे लक्ष्मी देवी मैडम के लिए. प्रकाश, I'm sweetie यार. अरे वाह क्या नाम है. Sweetie लक्ष्मी देवी मैडम के लिए एक खूबसूरत घाघरा चोली दिखाओ. जाओ ना जाओ मुझे मुगल स्टाइल में घाघरा चोली चाहिए प्लीज आपको जो चाहिए उसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं यहाँ पर दिखाओ ना अभी वो नहीं है क्या कहा नहीं है हाँ पर आप ऑर्डर देंगी तो हम रेडी कर देंगे ओह ग्रेट पैसे कितने लगेंगे 6000 मैडम अगर चिच्चा कम बोला तो चीप समझेगी चीप हाँ मेकिंग 6000 मटेरियल के लिए 10000 ओनली 16000 16000 मैडम आप अपना फोन नंबर दीजिए ना मैं आपके घर पे डिलीवरी कर दूंगा 9560023593 पैसे वाले तो पैसे वाले ही होते हैं भाई उनका स्टाइल और वो ड्रेस क्या ड्रेस है बाप अबे वो ड्रेस ही 1 लाख का होगा पता 1 लाख 1 लाख 1 लाख क्या कार नंबर ऑल नाइंस के लिए 7-8 लाख तो दिए होंगे अम्मा अरे बाप रे किसी अमीर बाप की बेटी होगी कैसा सर मिस्टर मिनिस्टर क्या है बेटा ओल्ड सिटी का ख्याल कोई नहीं रखेगा क्या बैड रोड्स नॉन हेल्दी स्ट्रीट टोटली डर्टी कुछ पूछो तो कहते हैं स्कीम चल रही है सब स्कैम चल रहा है आपकी गवर्नमेंट में ठीक है बेटा अभी ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना देता हूँ ठीक है ना बेटी मेरे साथ भी आप पॉलिटिक्स करेंगे क्या पापा चोर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु में देव सर्वकारेषु सर्वदा मेरे पास आने वाले सभी लोगों की तकलीफें दूर करना उनकी हिफाजत करना इस लड़के की कुंडली में जो है वो बताओ और जो ना हो वो भी बताओ चलो अब बाहर आ जाओ आओ तोता राजा पैसे रखियो ठीक से देखो ये तोता क्यों नहीं आ रहा है 11 रुपए में तोता तो क्या चूहा भी नहीं आएगा अपने 11 रुपए के साथ मेरे भी रख लो जाके कोका कोला पी लो जा कोका कोला और कितना रखना है फिर कुंडली पैसों के लिए नहीं बताता हूँ तोते के खाने का इंतजाम करना है ज्यादा नहीं चाहिए बस 111 रुपए दे दीजिए अरे वो तोते के गुलाम ये 111 के साथ और भी 111 मिलाएंगे तो ये तोता नहीं वो तोता भी आ जाएगा वो तोता आएगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी पंची को भी पैसा चाहिए ये लो पकड़ो लेकिन कुछ भी मत बोलना कैश कैश कब आएगा वो बताओ लड़का बहुत जल्दी में है बड़ा दिल करके 111 रुपए रखे हैं डार्लिंग में काजल कितने आओ राचा में तमन्ना कितने आओ अरुंधति में अनुष्का कितने आके इसका फ्यूचर बताओ लड़का अपना फ्यूचर जानने के लिए बहुत उत्सुक है वाह वाह लेकर आओ लेकर आओ ये तोता तुम्हारा फ्यूचर बताएगा वाह राजा भद्राचलम से आगे 15 दिन हो गए लेकिन ये कार्ड अभी तक नहीं उठाया जिंदगी बदल रही है लक्ष्मी जी आने वाली है तुम लक्ष्मी जी का हाथ थामोगे तो लक्ष्मी जी तुम्हारा हाथ थाम लेंगी मैं लक्ष्मी जी का हाथ थामूंगा तो लक्ष्मी जी मेरा हाथ कैसे थामेंगी मैं लक्ष्मी जी का हाथ थामूंगा तो लक्ष्मी जी मेरा हाथ थामेगी सेम ही हो गया ना अगर लक्ष्मी जी मेरा हाथ थामेगी तो मैं वापस लक्ष्मी जी का हाथ क्यों थामूं मेरा हाथ थामने की क्या जरूरत है अरे ठीक से बता रे मेरी बात तुम ठीक से समझ नहीं रहे हो मैं लक्ष्मी देवी का हाथ थामूंगा तुम लक्ष्मी देवी का हाथ थामोगे तो लक्ष्मी देवी तुम्हारा हाथ थामेंगी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ माता जी खुद बोल रही हैं तोते के जरिए बोल रही हैं मजाक मत समझना Thank you.
पॉटी कौन है रे? मालूम नहीं रे, माने कहा है। ए, वो तो हमारी नूर है। नूर है क्या? मुझे क्या पता। गली साली बेशरम कही की बुरका निकाल के बस्ती में घूम रही है। साले तेरी तो इसकी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कमीने, काट दूंगा साले। अरे प्रकाश, एमएलए साहब है। चल बे, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। हाँ निकल, हाँ देख लेना। सलाम वालेकुम साहब। सलाम सलाम, और क्या हाल है? सब खैरियत साहब। चलो नूर, बुरका में एक बॉम्ब है ये मुझे अब तक पता नहीं था। क्यों सब कुछ बुरका में छुपा कर रखा है तुमने? देखो तुमको किसी से डरने का नहीं है, मैं हूं ना। तुम ऐसा ही ड्रेस पहनो, बहुत अच्छी लगती हो। हेलो, तुम जाओ। हाँ कौन है बे? चिचा दुबे कैसा है रे? अरे मस्त है, तू कैसा है? मेरा क्या है, सुपरस्टार रजनीकांत है। हाँ अपने मैटर का क्या हुआ रे? मैंने शेख से बात की तो है, दो या तीन महीने में हो जाएगा। और भी दो या तीन महीने लगेंगे? अच्छा सुन, एमएलए के साथ रिकमेंडेशन चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, 1,00,000 रुपए भेज रहा हूँ, वो मेरे घर में पहुँचा दो ना यार। लिए दे गया? नहीं यार, हम यहाँ देते हैं वो वहाँ देंगे। हवाला? हवाला? हाँ, तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? क्यों रे? अरे पूछ क्यों रहा है, बता ना। एक मिनट, जस्ट 20 रुपीज है यार। उसका नंबर बताओ। नंबर? इसका नंबर भी होता है क्या? अरे परेशान मत कर, बता ना। रिजर्व बैंक, हाँ JW 88536J। ओके अब एड्रेस नोट कर लो, इस नंबर का नोट दोगे तो वो 1,00,000 देगा, वो लेकर मेरे घर में पहुंचा देना। अच्छा ये तो सही है रे, 20 रुपया दिया तो 1,00,000 देंगे क्या? हाँ ये तो बहुत कम है यार, हमारे राजनेता तो करोड़ों में हवाला कर रहे हैं। फिर तो कल ही 1 करोड़ भेज दे हवाला में। लाइन में रहे, और भी 100 रुपए का नंबर बताता हूँ। तूने तो कहा था पैसे नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा एड्रेस बताना ठीक से, बाबा वेट कर रहे होंगे। पूरे हैं? पूरे सर। 100 हैं सर। ये लीजिए 1,00,000 रुपए।
99 ही है सर। ये कैसे हो सकता है? बराबर है सर। 100 होगा। 99 ही है सर। अरे पैसे गिनने में ये चार मीनार का सलमान खान है। हाँ सलमान खान, तुम हम पर शक करता है? गिनो। नालायक, 1000 बार बोला ये पूरा धंधा यकीन पर चलता है, यकीन खत्म तो धंधा चौपट। माफी चाहता हूँ बेटा, ये लो पकड़ो। ठीक है सर जी, चलता है। पैसा बहुत बहुत सारा पैसा था। इतने सारे पैसों को देख कर ना अपना माइंड काम कर ही नहीं रहा था यार, जेब में पैसा होना ही चाहिए। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है क्या? क्या? हाँ और नहीं तो क्या है बताना, ये दुनिया में जो कुछ भी है पैसों की बदौलत ही है। करेक्ट है। 1 करोड़ बस लाइफ सेटल हो जाएगी। अरे भाई क्या रेस खेलें? मतलब बैटिंग। अरे एक काम करते हैं, क्यों ना हम तीनों बैंक में चोरी करते हैं? देख भाई, चोरी मर्डर किडनैपिंग चीटिंग लड़कियों का बिजनेस, ऐसे नीच काम करने की हिस्ट्री प्रकाश को नहीं चाहिए। 1 करोड़ बिना मेहनत किए अगर इतने सारे पैसे कमाने हैं तो सिर्फ 4 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता सिनेमा का हीरो, लेकिन सिनेमा फील्ड में पीछे कोई एड्रेस नहीं है तो बहुत मुश्किल है ना। दूसरा पॉलिटिक्स, वहां तो बहुत सारे शाने लोग बैठे हैं, अब तो बहुत सारे लोग जेल में ही हैं, बेल भी नहीं मिलेगी। कुछ माइनिंग्स को रेंट पे लेकर काम करेंगे तो क्या करेंगे, उसके भी पीछे किसी का हाथ होना चाहिए। बहुत पैसे वाली की बेटी को पटा लिया तो बाद में लव शादी करके। स्वीटी स्वीटी अम्मा छोड़ना यार, बहुत ज्यादा रिस्क है। हम जैसे लोगों के लिए रिस्क ही इन्वेस्टमेंट है। पहाड़ खींचने के लिए बाल जाने जैसा है, आया तो पहाड़ आ गया, गया तो बाल गया। हाय प्रकाश, घाघरा लेकर आ गए क्या तुम? एक मिनट। मुझ पर अच्छी लगेगी ना? अरे कमाल करती हो मैडम, ये ड्रेस पहनकर मेहंदी लगाओगी तो क्या लगोगी? मेहंदी? हाँ। वो कौन लगाएगा? कमाल का क्लॉथ वर्क, आर्टिस्टिक मेहंदी वर्क। आई एम रियली जेलस ऑफ यू यार, ये सब कैसे सीखा तुमने? हाँ मजबूरी सब सिखा देती है मैडम। पापी पेट का सवाल है तो मुझे भी सिखा दोगी क्या? तो फिर ओके, कल से मैं हर रोज तुम्हारे घर आऊंगी और तुमसे सीखूंगी। सुपर ड्रामा किंग। हे नूर का घर कहाँ है? नूर का घर 4 मीनार के पीछे मेहंदी गली है ना, मेहंदी गली के सामने मदीना गली में स्ट्रेटली ट्रांसफार्मर के सामने से लेफ्ट हो जाओगी तो मेहंदी गली मतलब रेड लाइट एरिया। हाँ वही। मैंने बहुत मूवीज में देखा है पर रियल में कभी नहीं देखा, एक बार मुझे ऊपर लेकर जाओगे क्या? दिमाग खराब हो गया क्या मैडम? नहीं नहीं बहुत डेंजरस प्लेस है। डेंजरस? मेरे पापा कौन है तुम जानते हो क्या? कोई भी हो नहीं होगा। ओल्ड सिटी। मनोवांछाफलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु शीघ्रमेव राजयोगप्राप्तिरस्तु शुभमस्तु। इसी के साथ 100 यज्ञ हो गया। हरिओम नमः शिवाय। और 8 सोमवार करेंगे तो 108 पूरा हो जाएगा। वो शिवजी की दया से अगर मैं सीएम बन जाऊंगा तो पूरा पूरा स्टेट हमारे हाथों में होगा। कांग्रेस सर। मेरे सीएम बनने के बाद तुम ही आईजी हो। थैंक यू सर। ये लो। पूरे 50 है, हवाला में आ रहा है।
लास्ट टाइम की तरह ओल्ड सिटी से तुम ही इसे लेकर उस एमएलए कैंडिडेट को हैंडओवर कर दो। जी सर। बड़ा अमाउंट है, सावधान रहना। ठीक है सर। तुम्हारी सेफ्टी के लिए और बंदों को भेज दूं क्या? नो प्रॉब्लम सर। लास्ट टाइम हमारे लेकर का 40 करोड़ मैं ही तो दिल्ली से लेकर आया था। चिंता मत कीजिए सर, सिक्योरिटी नहीं होगी तो किसी को शक भी नहीं होगा, साइलेंटली काम हो जाएगा, आप इस बारे में भूल जाइए। ठीक है सर। आई जी सर। नूर? नूर? चलो नीचे उतरो। हाँ? उड़ा। अरे उतरो ना, उतरो। प्रकाश! अरे स्वीटी मैडम, हाँ? क्या बात है, ये बुर्का में क्या कर रही हो? महबूब की मेहंदी के लिए आज लेकर जाओगे तुमने कहा था ना? मैंने कभी? कल कहा था, मेरे घर पर, भूल गए क्या? चलो कम ऑन सिट। कुछ नहीं है, मैंने भी बोला था ना नहीं ले जा सकती। ओह माय गॉड, तुम झूठ भी बोलते हो क्या? आई थॉट यू आर अ नाइस गाय। बाप रे, आप तो बहुत बड़ी वाली शानी है ना, इसलिए ताकि कोई पहचाने नहीं मैं यहाँ बुर्का पहन कर आई हूँ। प्लीज 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 मुझे वहाँ ले चलो ना, प्लीज प्लीज चलो ना, प्लीज 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 ले चलो। साले कमीने, तुम्हें से ज्यादा है क्या? आओ ना मैडम। 200 है, 500 भी है, 1000 में पूरा मील। हे, यहाँ खाना भी मिलता है क्या? मील का मतलब वो नहीं है, आपको कैसे समझाऊं? एक मिनट। हाँ, सिनेमा इंटरवल तक देखते हैं ना, और फुल सिनेमा देखने में फर्क होता है, और बताने की जरूरत नहीं है। ए राजा, चलेगा क्या? सिर्फ 300 रूपए। आने देना। ए प्रकाश, 300 रुपीज वेरी चीप ना, तू जाएगा क्या? अरे मैडम बस करो, चलो अभी। ए प्रकाश, हे मैं मांगूंगी तो कितना दोगे? कंफर्म, तुम पागल हो। कम, कम। अरे मैडम, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मैडम? ट्राई करते ना, ठीक है ना? अरे बोलना। क्या बोलना है? अरे रेट बोलना। Well, वो मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। तुम ही बताओ ना। 1500। चल बे, 10,000। देख तेरा उतना रेट नहीं है, 3,000 ले ले। ए, जा यहाँ से। 8,000। 6,000 ले ले। ओके परफेक्ट। सॉरी सर, मजाक कर रही थी। मैं उस टाइप की नहीं हूँ। कोई भी टाइप बोल रही है, चल ना। सॉरी भैया। भैया भैया, छोड़ो मेरा हाथ। ए नाव मत खा, चल चल। अरे भैया 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 भैया, अरे सॉरी भैया, लड़की मजाक कर रही थी। Shut up!
नहीं सोचा था ये इससे मेरी डेंजरस प्लेस बहुत डर लग रहा है। बोला था ये सब करने को, ये बहुत डेंजरस एरिया है, चलिए चलिए जल्दी। अच्छा हुआ सब लोग सो गए वहां पे। पैसा है उस लड़की के पास, बंजारा हिल्स की अमीर लड़की, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं है। स्टाइल भी नहीं है कोई। स्वीटी, कितना करेक्ट नाम है, इट्स सो नाइस। आई थिंक शी लव मी। मैं भी आज या कल या परसों, नहीं तो दूसरे दिन किसी दिन I love you too, बोल दूंगा। बाद में मैरिज, बाद में हमारे नाम पर जो कैश है ना, वो हमारे घर के नाम करवा के कैश प्रकाश बन जाऊंगा। शादी के बाद में पहला काम क्या करूंगा पता है क्या? तुम्हारे यादव का पूरा कर्जा चुका दूंगा। ओके, स्माइल प्लीज। इतनी रात होने के बाद भी घर जाने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अल्लाह आपको खुश रखे। प्री प्री स्वीटी बाय। यहाँ आ गई? मैं मुजरा करूंगी। आओ ना, आओ आओ आओ, आओ। बैठो 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 बैठो। हाँ बैठ जाओ। कसम से तुमको देखते ही तुम सोने का खजाना नजर आ रही हो मुझे नूर। अरे थू, तुम क्यों मुजरा करोगी? तुम हाँ बोलोगी तो कल तुम एक शहजादी बन जाओगी। दुबई के शेख हैं, बहुत रईस हैं, बहुत पैसा है। वो पहले 3 निकाह कर चुके हैं, चौथा निकाह करने के लिए यहाँ आए हैं। उनको हमारे यहाँ की लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। शादी मुझे नहीं करनी, मुझे शादी से डर लगता है। मैं चलती हूँ अब। फिर मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? तुमको जो वक्त दिया था वो पूरा हो गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये लड़की पसंद है। क्या नूर की शादी है? इतना डल क्यों बोल रहा है यार?
कौन है वो लड़का? अरे कोई अरब शेख है, कमीना बुड्ढा है साला। तू बहुत पैसा होगा। हम लोगों को जाना है ना, मजा करना है। हमारी नूर है यार। छी, शर्म नहीं है यार तुझे? कमीने, इसे शादी नहीं कहते, खुदकुशी है ये। वो सब कुछ तेरी वजह से हुआ। उस दिन रात में क्या कहा तूने? बेचारी नूर तब से रोए जा रही है। और नहीं तो क्या, बेचारी नूर तेरे जैसा गले जिंसा नहीं देखा रे मेरे। तू चुप। नूर ने जो किया करेक्ट है, 100% करेक्ट है। 6 बहनें, 2 भाई है, पापा मर गए, ऊपर से यादव का कर्जा भी है, कौन चुकाएगा रे? अब देखो पूरी की पूरी नूर की फैमिली एक ही वक्त में सेटल। हम लोगों को भी कभी पैसों की जरूरत पड़े तो नूर से मांग सकते हैं। गलत है, वो बेचारी तुझसे बेहद मोहब्बत करती है। नूर तुझसे शादी करना चाहती है। पसंद करती है? प्यार, इश्क, मोहब्बत। 25 रुपया देकर सिनेमा देखने में ये सब अच्छा लगता है, थिएटर से बाहर आने के बाद ना प्यार गधे का अंडा होता है। शादी होने के बाद 2 महीने बाद सब कुछ उड़ जाएगा, खत्म। बाद में घर का रेंट, दूध, दाल, चावल, ऐसा पूरा आके सर पे गिरेगा तो तब पता चलेगा शादी क्यों की है, क्यों प्यार किया है, बोलकर बाहर रोते हुए बैठेंगे। वो देखो उसके ऊपर से गिर के मर चुके हैं बहुत लोग। नूर से शादी करूंगा तो वो और मैं मिलकर प्यार प्यार नहीं 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 रे, पैसा पैसा पैसा। खन 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 करके लक्ष्मी देवी हमारे आगे आई तो हम ही होते हैं टांग क्रैंग। उसके बिना कुछ भी नहीं है, सब बाल के बराबर है। पैसा होगा तो बिरयानी आएगी, पैसा होने से क्वार्टर भी आएगी, पैसा होने से करंट आएगा, घर आएगा, कार आएगी, रिस्पेक्ट भी आएगी, अबे लड़की भी आएगी, भगवान भी आएगा। वही नहीं है तो कैसी जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी। अभी ना पैसों के लिए हम पूजा करते हैं, पैसों के लिए मेहनत करते हैं, पैसों के लिए कोई भी काम करते हैं, धोखा देते हैं, दुनिया का हर गंदा काम करते हैं, पुण्य को खरीदते हैं, पाप को मिटा देते हैं, कितने भी कमीने आदमी को वोट डाल के जिता देते हैं, हर कमीने को नमस्कार करते हैं, भाई आपका पैर पकड़ के बोलेंगे तो चिल्लाते हैं, मारते हैं, अपने ही लोगों को हम बेच देते हैं, दोस्ती को भी बेच देते हैं, शर्म को भी बेच देते हैं, सच को भी बेच देते हैं, थू तेरी तो खुद को भी बेच देते हैं। पैसा ही परमात्मा है, जिसके पास पैसा होता है वही इंसान। इसलिए नूर को पैसों के लिए शादी करना गलत नहीं है। क्यों आंसू बहा रहे हो रे? कहाँ है शादी? नूर जहां सलमान बिनते शेह हुसैन, क्या ये निकाह तुमको कबूल है? I think she loved me. नूर जहां सलमान बिनते शेह हुसैन, ये शादी तुम्हें कबूल है? कबूल है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आपको नूर जहां सलमान से निकाह कबूल है? ये कौन हो तुम लोग? या अल्लाह! तेरी
नहीं क्या बोलती है मेरे को चल छोड़ो छोड़ो मुझे अरे मेरे को मार दिया अरे तलवार मैं हूँ चोरी करता तो आपके पास क्यों आता सर वहीं से मैं भाग जाता ना सर सच में सर यकीन कीजिए सर कल तक
सारा पैसा वहां पहुंचाना होगा, नहीं तो पता है विजयवाड़ा में रहने वाली तुम्हारी बीवी, उस्मानी में पढ़ाई करने वाली तुम्हारी बेटी महबूब की मेहंदी में ब्रोथल्स बन जाएंगी। साले दफना दूंगा तुझे। मेरे पास 3 MC क्वार्टर है, पूरे सील्ड है, ले लो। ए पागल, बेवकूफ जैसी बात मत कर, हम बेचने वाले हैं, खरीदने वाले नहीं। एमसी क्वार्टर देना भाई। क्वार्टर हाँ? ये ले आधे रेट में भाई। तेरी तो ए किसने भेजा तुम लोगों को? साले को। इस एरिया में वाइन शॉप होगा तो भाई का ही होगा। जिसके मारने से माइंड ब्लॉक हो जाता है वही असली महेश बाबू है, तू ही असली हीरो है। ए फोन आया रे। क्यों रे, काम हो गया क्या? हाँ, भाई भाई भाई। फ्लाइट टिकट्स भेज रहा हूँ, जल्दी से सब लोग हैदराबाद आ जाओ। पचास करोड़, उसमें से मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, सारा पैसा आप लोगों का। लेकिन कितने दिन तक ऐसे जियोगे? इन पैसों से अपनी जिंदगी बदलो, लेकिन एक भी पैसा रॉयल पट्टनम तक पहुंचना नहीं चाहिए। हैदराबाद ओल्ड सिटी में हमारी पार्टी के सुब्बू यादव से मिलो, आपको जो भी चाहिए सब अरेंज हो जाएगा। अरे वापस करो। दिल खुश। वो पैसा हम लोग ही ढूंढेंगे, तुम और मैं 50-50 करेंगे। वो कमीना किसी को कंप्लेंट तक नहीं करेगा, चुपचाप मुंह बंद करके बैठेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कौन सी कार है? ब्लैक इनोवा AP9BN1193। वो यादव बहुत खतरनाक है भाई, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लाइफ में रिस्क होता है, डर डर के जीने से मरना ठीक है, कुछ नहीं होगा। हम बुर्का पहन कर गए थे ना, कोई भी नहीं पहचानेगा हमको, डरने की बात नहीं है। ओके ना? तो अभी जाके फटाक से गाड़ी लेके आ जा, तू नूर के घर के पास और शॉप के पास जाके वहां क्या हाल है देख के आ जा। मुझे क्यों लेकर आए हो? दिमाग सटक गया है क्या? दुबई शेख के साथ शादी, वो भी इतने बुढ़े के साथ। हमारे बगल की लड़की जरीन भी कोई दुबई शेख के साथ शादी करके उसके साथ चली गई थी, तो उसको उसने अच्छे से इस्तेमाल किया, फिर अपने दोस्तों को दिया, फिर रिलेटिव्स के हवाले करके आखिर में एक ब्रॉदल बना के बेच दिया था। वो जिंदा है या नहीं ये भी नहीं पता अभी। तुम वो शादी कर लेती तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली पूरी हैप्पी रहेगी ना। तुमको कुछ हो गया तो? अरे हंस क्यों रही है तू? तुम मुझे डांटते हो तो अच्छा लगता है। अरे पागल हो गई है क्या? दुनिया पार करने चली है? तुम मुझे भगा कर लाए हो ना,
अगर शादी भी कर लोगे तो एक काम हो जाएगा, है ना? ये काम हो जाएगा क्या? तू एक गरीब है, मैं एक गरीब हूँ, अगर हम दोनों मिले तो क्या आएगा मालूम? अरे राख मिलेगी। ऐश, मुझे ऐश नहीं चाहिए, कैश चाहिए। तू देगी क्या? प्रकाश, अबे सुअर कहीं के, और कितनी देर? आप कुछ फिक्र मत करो भाई, नेक्स्ट इलेक्शन में दे दूंगा, आप टेंशन मत लो भाई, मैं रखता हूँ। कौन था बता दे, तीन लोग बुरके में आए और नूर को लेके कार से भाग गए। नूर कौन है? ओह गॉड, अब ये सब कैसे हो रहा है? मेरे पापा को पूरा मैटर बता देते हैं, अभी के अभी वो पुलिस को भेजकर उन सभी कमीनों को अच्छे से पिटवाएंगे। मैडम यूजा शांति, ऐसा कुछ करोगी तो मीडिया वाले एंटर करके नूर की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना, डैडी को इन्वॉल्व मत करना, ओके? अभी प्रॉब्लम क्या है कि बेचारी नूर को उनके घर पे भेज नहीं सकते, और ऊपर से मेरे घर पे भी ऐसे रख नहीं सकते, तो बस दो दिन तुम नूर को अपने घर पे रख लोगी क्या? तब तक मैं सबको सेटल कर दूंगा। ओके, जब तक ये इश्यू पूरी तरह सेटल नहीं हो जाता तब तक नूर सिर्फ मेरे घर में ही रहेगी, ओके? हुआ दे। डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? हे मिनिस्टर, ये सब कौन है? हाँ? वो हमारे गांव वाले हैं। ये लड़की कौन है? पापा, she's my close friend, नूर। नूर मेरे पापा। नमस्ते, ओ सलाम। नेक्स्ट वीक अंजलि की मेहंदी का फंक्शन है ना, उसी के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आऊँ। she's a very good मेहंदी artist। फंक्शन होने तक ये हमारे साथ इस घर में रहेगी। हमारे साथ घर में रहेगी। ओके बेटा, ठीक है। 50 करोड़। अगर वो सीट जीत गया तो मैं ही सीएम हूँ। इस पुलिस वाले ने सब बर्बाद कर दिया, इसको फॉलो करो, अगर कोई शक हुआ तो मार डालना। अरे बम है उसमें, बम है उसमें, बंद कर, बंद कर, बंद कर, जल्दी कर, कर दो, बम फट जाएगा तो मर जाएंगे। बता नूर कहाँ है? स्टॉप, रिवाइंड, फ्रीज, ज़ूम, वो ब्लैक इनोवा, ज़ूम करो। हाँ ठीक है, नाम पहले सर। खैर था बात सर, पंजगुटा सर, नहीं सर, मतलब खैरताबाद और पंजगुटा में गाड़ी मिस हुई है सर, मतलब वहीं पर। पीने के लिए कुछ बोलो। कोल्ड ड्रिंक या बियर सर? चाय। चाय? तेरे लिए कॉल है स्वीटी। अरे इसके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी होगी। हेलो, हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? नूर, ड्रेस चाहिए क्या? मैं अभी भेजता हूँ, साइलेंट में होगा, मैंने देखा नहीं। बाय। मेरा फोन कहाँ है? तुम लोगों को दिया था क्या? जिंदगी में कभी किसी को दिया है क्या जो पूछ रहा है? अच्छा। मेरे पास एक ही फोन है। बुरखा कार। कार में है, वहां पर पार्किंग में। अरे छोड़ो उस फोन को भाई, दूसरा फोन खरीद लेते हैं। ये बेवकूफ लोग, पूरा एड्रेस और नाम देखकर ही सिम कार्ड खरीदा है ना। फोन मिल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा गया तो तुम दोनों का नाम भी बोलूंगा। ये डबर, हम पार्किंग में जाके फोन। अब मेरे को मत कीजिए इस मामले में, मुझे किसी ने पकड़ लिया तो कुछ नहीं होगा। चुप बैठना, कितना बोलेगा? मेरा डीजल, डीजल काई को
मेरी गाड़ी पानी से चलती है क्या? ठीक है, हाफ लीटर के लिए दे दूंगा। उसमें सिर्फ दो बूंदे आएंगी, पूरे 5 लीटर चाहिए। 5 लीटर? अबे पैसे नहीं है यार। चलिए 2 लीटर। नहीं, 4 लीटर फाइनल। अरे छोड़ो ना भाई, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, 3 फाइनल बस। 3 फाइनल। 4 लीटर से 3 लीटर निकाला तो कितना? 1 लीटर। 1 लीटर कंफर्म। ए अर्जेंटली घर जाकर। ए चुप रहे। मिला। अरे चलना जल्दी। अब गाड़ी क्यों रोकी तूने? चल चल जल्दी। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? रुकने को बोला ना। चल 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 चल। अबे रुक, अबे छोड़ मेरे को, छोड़। अब चलना है कि नहीं मेरे बाप, पहले वो बोल।
चलो पीछे चल। पीछे अबे सुमन की बच्चे इकी बंदर तेरी तो ऐसे समय में जोक मारता है। चल डैनियल को फोन दे, कार खाली है क्या? लगता है उन्होंने पूरा पैसा लेके कार खाली छोड़ दी है। हरामखोर, उस एरिया से पैसे चोरी हुए हैं तो चोर भी उसी एरिया के होंगे। बाहर के लोगों को उस एरिया का कोई सेंस ही नहीं है। उस एरिया के सभी बदमाश और टपोरियों को पकड़ लो, स्टेशन ले जाकर अपनी स्टाइल में पूछो, सब सच उगलेंगे। जल्दी करो। केस में एक्सीडेंट केस की गाड़ी यहीं पर रखते हैं, बाद में कोई भी नहीं आता है। इस सेफ प्लेस हो ही नहीं सकती। ये पैसे लेकर तेरे ओनर को दे दे, एक हफ्ते का रेंट दे दे, फिर परेशान नहीं करेगा। हो जा। इतना सारा पैसा मुझे और भी चाहिए। अबे लालची कमीना, कमीना एक नंबर का, तेरे से मिनिस्टर बेटर है। दूर हो जा यहां से। चाबी दे दे। बिल्कुल नहीं, मेरे पास ही रखूंगा। चला चलना। ऐसा नहीं देखा क्या? छी 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 क्यों? प्रकाश को भी ऐसा नहीं देखा क्या? प्रकाश छी। तुम दोनों लवर्स हो ना, तो कभी फुल मील, प्लेट मील, एटलीस्ट टिफिन कुछ भी नहीं किया क्या? ये सब क्या है? किसिंग, दिल खो गया है। फिर तो तुम लोगों को शादी के बाद सब करना होगा, है ना? हमारी शादी नहीं होगी। प्रकाश मुझे पसंद नहीं करता, उसे तो आप पसंद हो। हाँ, मुझे भी प्रकाश बहुत ज्यादा पसंद है। स्वीट हार्ट। स्टुपिड। लेकिन तुम जो सोच रही हो ना, वैसा नहीं है। जस्ट फ्रेंडशिप, नथिंग एल्स। पर मेरी गट फीलिंग पता है क्या कहती है? प्रकाश तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं तो बस किसी को सेफ रखने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लेगा क्या? तुम्हारी सेफ्टी के लिए वो कितनी फिक्र करता है, तुम जानती हो ना? पता है, बहुत सारे लड़कों को लव और लस्ट के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लड़के रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तुम्हारा प्रकाश भी कुछ ऐसा ही है। बट ही इज अ नाइस गाय, आई नो फॉर श्योर ही लव्स यू ओनली। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? टिडिंग 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 टिडिंग। अरे यार, वो फेक नोट्स हुए तो? अम्मे, दो बियर, एक ब्रांडी, चार वाटर पैकेट।
खुशी में भूमिका की कमर देख लिया ना। हाँ जल्दी जल्दी भाई, ये लो। किसने चोरी की है शराफत से बता दो। ये कौन है? क्या हो रहा है ये सब? जान से मार देगा क्या बच्चे को? क्या सोचा मुसलमान के पीछे कोई नहीं है? हम हैं, हम मार रहे, दम है तो मार के दिखा। ये यहाँ कहीं मिले हैं? कहीं कुछ भी होता है तो ओल्ड सिटी से मुसलमान बच्चों को लाके मारते रहते हो। अब मार इसको, मार मार इसको। पूरे पुलिस स्टेशन को जला दूंगा। चलो चलो भैया, चलो 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 जल्दी चलो चलो। जितने भी गली के भिखारी है ना, राजनीति में आने के बाद पावरफुल हो जाते हैं साले। इस एरिया में मुस्लिम्स की शादी करने वाले काजी कितने लोग हैं? भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद सलीम खान, जिंदाबाद सलीम खान, जिंदाबाद। चलो यहां से, चल चुपचाप। कार कहाँ है बता रहे? चल बता। चुप रहो जंगली कमीनों, क्या परेशानी तुम्हारी? कैसे बता सकता हूँ कहाँ है पैसा? कौन सा पैसा? हाथ निकाल, कितने दिन हुए नहा के तुझे? बास मारता है। तलवार यहाँ क्यों रखी है तूने? मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है यार। अबे तेरी तो हट। ए प्रकाश, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? कौन थे ये लोग? क्या है रे इसमें? इसको देखकर डर रहे हैं वो लोग, किसको मालूम। चल बम, चल। साहब उस दिन एक ही शादी थी, नूर जहां रहीमुन्निसा खातून। विटनेस यादव साहब। यादव कौन है? यादव टकले सरीक है। नीति यादव? जी हाँ वही। सर वो उस एरिया का एक नंबर का गुंडा है, उसको और उसके गुंडों को कई बार गिरफ्तार किया है मैंने। इस पुलिस वाले को फॉलो करेंगे तो हमको असली आदमी मिलने का चांस है। अबे प्रकाश ये सब बहुत डेंजर लग रहा है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक साइड वो पुलिस लोग और एक साइड ये गैंग। पैसों को बहुत ही जल्द एक सेफ प्लेस पर छुपाना होगा। सेफ प्लेस, सेफ प्लेस, सेफ प्लेस, सेफ प्लेस। काका के दुकान में कपड़ों के नीचे रखते हैं क्या? तू तेरा दिमाग इस्तेमाल मत कर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सेफ प्लेस,
सेफ प्लेस। सेफ प्लेस? सेफ प्लेस। दूर? हाँ दूर रहेगा। दुबई। तब वहाँ से यहाँ पैसा भेजा था ना हवाला में, ऐसा यहाँ से वहाँ पैसा भेज सकते हैं क्या? और मेरे आने तक तेरे पास पैसा ठीक से रहेगा ना? अरे आराम से। कितना? कितना है कि मतलब थोड़ा बड़ा अमाउंट है। 50,000 होगा क्या? और भी ज्यादा होगा। 1,00,000 से भी ज्यादा होगा क्या? 1,00,000 से भी ज्यादा है यार। इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? कहाँ से आया, तुझे क्या करना है? मेरा मतलब वो नहीं था, कितना है? कितना है कि तू फोन रख, मैं बाद में फोन करूंगा। अबे कल मुझसे क्यों पूछ रहा है? नहीं तो और किससे पूछूं? उस दिन सेफ प्लेस बोलकर मेरे को बना के कार यहाँ रख के मुझे जाने को कहकर पूरा पैसा लेकर गया तू। पैसा क्या रे? पागल जैसी बात मत कर, मुझे पता है तूने ही चोरी की है। लालची कमीना, बहुत सारा पैसा है। हम सब बांटने के बारे में सोच रहे थे यार। लेकिन बांटना क्या है मुझे बताओ ना। कार में लेकर कैसे जाऊंगा? चाबी उस दिन तू मेरे को नहीं दिया ना, चाबी तेरे पास ही रखा था। अच्छा, मुझे पता नहीं है क्या? डुप्लीकेट चाबी होगी बोलकर मेरे को पागल समझता है क्या? नहीं नहीं, मैं पागल हूँ। अबे चुप, दो चुप, तेरी तो कमी है। अरे बहुत सारे पैसे है यार, नियत खराब हो गई है इसकी, सारा पैसा चुरा लिया। चोर है ये, चोर कमीना। यार मेरे को चोर बोलते तू साले। मुझे मारेगा? अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ गाड़ी मुझे। अरे पैसा चोरी कर रहे हो? छोड़ गाड़ी कहाँ है? अरे छोड़ 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 मुझे। अरे भाई नहीं पूछ करूँगा मैं, पैसा कहाँ रखा है? छोड़ जाने दो भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे कमीने। अरे क्या करेगा? मारेगा, मारना। डबर पागल हो गया क्या? और बोलता है ले। अरे क्या कर रहा डबर? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी नहीं प्रकाश, तेरी खराब हो गई है। सुबह से उठकर पैसा पैसा बोलकर रो रहा है तू। कौन है बे? हो गया क्या? यादव बुरके में आके नूर को लेके चला गया, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा बे? हैं? मुझे कुछ पता नहीं भाई। अबे चुप कमीने, डाबर की गाड़ी मेरे पास है, अगर वो चाहिए तो 1 घंटे में नूर मेरे पास होनी चाहिए। पुरानी देवड़ी के पास मेरे लड़के इंतजार करेंगे, नूर को उनके हवाले कर दे, नहीं तो सुन ले तेरी गाड़ी को चोर बाजार में किलो के भाव में बेच दूंगा। और सुन ले, दूसरी कार की चोरी के लिए पुलिस ढूंढ रही है ना तुझे, तू कितना भी बुरका ओढ़ के रह रहे मैं बता दूंगा बेटा। इसको कार में पैसा है पता नहीं है। लेकिन लग रहा है देख लेगा। शिट यार, कैसी जिंदगी है हमारी। सॉरी काका, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। पैसा, पैसा किसी को भी पागल बना देता है, मुझसे भी गलती हो गई, माफ कर दे काका। लेकिन अब गाड़ी का क्या? ए, इससे पहले कि वो लोग कार में पैसा देख ले, चलो चलो चलो। Yeah.
गाड़ी निकाल। सर इसके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रकाश साहब ये झूठ बोल रहा है। नहीं अपने को नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए अपने को ये पैसा, नहीं चाहिए का पैसा कमीने की औलाद। ये क्या बात कर रहा है तू सर, मां कसम खा तो मेरे को कुछ नहीं पता। सच बता नहीं तो सीधा ठोक दूंगा तुझे। मजाक कर रहे हैं? 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़? सर एक मिनट सर, 50 करोड़ है रे। रे सर को बता दे, 5% इसका मतलब है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ तुमको मिलेंगे, सच सच बता दो प्लीज। साहब पैसा कार में ही रखा है। सर कार ही नहीं है सर, कार के डिक्की में रखा हुआ है। कार नहीं है तो डिक्की कहाँ से आएगी सर? पैसा कार के डिक्की में, लेकिन कार चोरी हो गया साहब। सर ये बात तो मैं तब से ही बोल रहा हूँ ना। अबे साले, एक हाँ बोलता है एक ना बोलता है, शूट कर दीजिए सर। मेरे दोस्त को मारा। इसको मार दीजिए सर। 50 करोड़। पैसा कहाँ है? क्या मैं AP-28 VA-0016 Violence, 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 violence
तू है? अपने को वीरप्पन या दाऊद इब्राहिम सोचा था क्या? तेरी तो ठीक है, ठीक है, तो तुझे छोड़ दूंगा। 50 करोड़ कहाँ रखे है? बता दे, बता दे। अच्छा, तो तुम ही हो क्या असली विलन? विलन नहीं रे, हीरो हूँ। बस एक बार ये बाई इलेक्शन जीत जाऊं, फिर स्टेट में मैं ही हीरो। तो फिर वो पुलिस वाला? पुलिस को छोड़, पूरा स्टेट मेरे चप्पलों के नीचे होगा। मतलब डाबर को मार दिया ना? क्यों मारा डाबर को? क्यों मारा डाबर को, बता। इडियट, ये मेरे पापा हैं। हाउ डेयर यू? छोटी मैडम, ये कमीना आपका बाप कैसे हो सकता है? मार डालो इसको। वो जो नूर है ना, ये उसका लवर है पापा। प्लीज इसे छोड़ने को कहो, प्लीज पापा। ये दोनों शादी। पचास करोड़ का है बता। मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुम्हारे आदमियों से पूछो। उनसे क्यों पूछूं बे? फिर खुद को हीरो कैसे समझ लिया? तू तो बेवकूफ है। ये पागल जिस गाड़ी में लेकर गए थे उसी गाड़ी में पूरा पैसा है, बेवकूफ। कहाँ है, कहाँ है वो कार? वो कार पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए छोड़ दिया वहाँ पर। 50 करोड़ रोड पर खराब है। बताओ, कार कहाँ है? चार मीनार के पास मस्जिद में, वही बगल में बड़ी बिल्डिंग के पास है, उसी पास के गली में, और वह दुकान भी बंद है। वहाँ एक रोड है भाई, उस रोड पे हरे रंग का कपड़ा डाल के कुछ है भाई। अरे तुम रुको, मैं बताता हूँ। वहाँ पास में ही महेश बाबू की बड़ी फोटो भी लगी थी। बताओ कार कहाँ है? बताओ कार के बारे में इसको पता है? बता दे कार कहाँ है। नूर को कुछ मत करना, कार कहाँ है मैं बता दूंगा। चल बता। शाली बंडा, सलेम साहब कंस्ट्रक्शन साइट के पास। हे प्रकाश, तू ही जाके वो कार लेके आ। तुम लोग भी जाओ। ठीक है साहब। एक एक घंटे में वो पैसे मेरे हाथ नहीं आए ना, तो इसका वो हल करूंगा कि देखने वालों की रूहें कांप जाएंगी, समझा? सुन रहे है, पैसे हाथ में आते ही से मार डालना। पापा ने कहा था कि जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तुम्हें मार दें। किधर
जिंदा है, नूर को जल्दी मेरे पास लेकर आ जा, नहीं तो दोनों को सच में मार दूंगा मैं। ज्यादा दिमाग मत लगा, जल्दी लेकर आ, जल्दी। नूर कहाँ है? नूर बंजारा हिल में मिनिस्टर के घर पे है भाई। मिनिस्टर के घर में? हाँ भाई, वो भी एक अजीब कहानी है। उसकी उसकी बेटी स्वीटी मैडम बहुत कमीना है। अरे उसका भी पता लगा लिया? ऐसा ही है भाई, बहुत पैसा है बोलकर ट्राई किया था भाई, तो वो फिक्स हो गई। उसके बाप को पता चल गया, तब से मुझे मारने के लिए अपने आदमी को मेरे पीछे लगा दिया है। मुझे बहुत डर लगता है भाई, मैं तो छुप गया था, मैं नहीं मिला इसलिए हमारी नूर को लेकर चले गए थे भाई, मैं यहाँ आ गया था अभी ना। उसको मेरी जरूरत है। हाँ। आपको नूर चाहिए? हाँ। मुझे उसको दे दोगे तो नूर वो आपको दे देगा। बस ऐसे कहाँ है? सीधे सीधे एक बात बताऊं क्या तुमको, क्या चाहिए? मेरी जरूरत है ना, अगर मेरी जरूरत है तो नूर को लाकर यादव के हवाले करना होगा। ये यादव कौन है? यही तो है। यादव भाई एक किंग है। ए, मैं कौन हूँ पता है क्या? तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या? अरे भाई ये ओल्ड सिटी है, यहाँ मैं अब यादव भाई किंग है, जल्दी आ जाओ। स
सन्यासी राजू की बेटी है। ये कौन है रे? हैं? ए, तेरी बेगम आ गई रे। ए, टकले, पहले उसे इधर भेज, मैं इसे भेज दूंगा, नहीं तो इसे मार डालूंगा। तुम नूर को मार दोगे तो मैं इसको मार दूंगा। ए, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। ए, टकले, तूने उसे छोड़ दिया ना तो तुझे ओल्ड सिटी में रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अरे रिंग रोड सच में दोगे क्या साहब? हरी कसम भाई, तुम नाटक कर रहे हो कि सच में हवाले में हो? नहीं तो ओल्ड सिटी में रिंग रोड क्या है भाई, वो तो आपको बिस्किट डाल रहा है। मुझे हवाला समझा क्या? ओल्ड सिटी में रिंग रोड है क्या बे? मैं यकीन नहीं करूंगा, नूर को छोड़ दे। सॉरी, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, दोनों के एक ही बार में भेजते हैं, ठीक है ना? अब आए ना रास्ते में भाई, अपना ये दादा 1 2 3 गिनेंगे, करेक्ट 3 में दोनों को छोड़ देना है। नूर यहाँ पर आ जाएगी, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा, ओके ना? हाँ ठीक है। तू रेडी है क्या? हिंदी शुरू करो। एक पैकअप, हिंदी उनको समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश में बोलो 1 2 3 बोलो। 1 2 3 क्या क्लैरिटी कहाँ है भाई, क्लैरिटी कहाँ है? अरे यार, अरे क्या परेशान कर रहे हैं, स्कूल में भी इतना परेशान नहीं हुआ मैं नहीं बोलने वाला हूँ, तुम ही बोलो। घंटे से पकड़ो। हुआ ना तो याद रखो, तुम सबको मार डालूंगा, छोड़ दो उसे। क्या मार डालूंगा? अरे क्या मारोगे बे, गणपति का चंदा दोगे क्या? अरे तुम लोगों को बीच में आने की क्या जरूरत? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। पापा! पहले तू प्रकाश को छोड़, फिर मैं तेरी बेटी को छोड़ता हूँ। टकले, सच में तेरे को वाइजाग पोर्ट के पास 100 एकड़ सेंक्शन करके दूंगा, मेरी बेटी की कसम। अच्छा पागल समझा क्या? मुझे नूर चाहिए तभी इसको छोड़ूंगा मैं। जल्दी फैसला करो, हमारी बस का वक्त हो रहा है। ठीक है, मैं नूर को छोड़ देता हूँ, तुम प्रकाश को छोड़ दो और वो मेरी बेटी को छोड़ देंगे, ठीक है ना? हमें प्रकाश नहीं चाहिए, 50 एकड़ चाहिए। इनकी तो 50 करोड़ इसकी तो ये बात है क्या? भैया पता चल गया मुझे, कब से मुझे बेवकूफ बना रहा तू? मुझे नूर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे 50 करोड़ चाहिए, नहीं तो सच में ठोक दूंगा मैं तुझे। ए, वो 50 करोड़ मेरा है। अरे रुक जाओ, सबको पैसा ही चाहिए क्या? इंसान की वैल्यू ही नहीं है। आपके बस का टाइम हो रहा है क्या? जंगली कमीने कहीं के, अरे पूरा प्लान बर्बाद कर दिया मेरा। इनका मौका देंगे तो ये लोग मार देंगे, उनको दिया तो ये लोग मार देंगे, इन दोनों में से किसी को दिया तो ये लोग मार देंगे। पैसा पैसा पैसा। Hey!
ऐसा ही परमात्मा सोचा था सर। नहीं है सर, ये एक भूत है सर। ये भूत चढ़ा तो इंसान राक्षस बन जाता है। इसकी वजह से मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। आपके पैसों की वजह से ही आपकी बेटी स्वीटी मैडम की जान खतरे में आ गई थी। कुछ हो गया होता तो बताओ ना, कुछ हो गया होता तो आपके पैसों से उनको वापस लाया जा सकता था। सर मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन एक बड़ी बात कहना चाहता हूं सर। पेट से ज्यादा खाना, उम्मीद से ज्यादा आशा और रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा डाइजेस्ट नहीं होता है सर। प्रकाश, मैं नूर से शादी करके दुबई जा रहा हूं मैडम। आप खुश रहिए। पचास करोड़ था यार, पूरा जल गया। हम लोग फकीर है, फकीर है, फकीर है, फकीरों को पैसा नहीं मिलता। फकीर नहीं रहे, लकीर, लकीर। लकीर नहीं रहे, दिमाग होना चाहिए, दिल होना चाहिए। हाँ बस, पैसा हमारे पास ही है बे। सच में? Thank you.
मुझे बहुत डर लग रहा है, ये रिस्क किसको दूं प्रकाश? रिस्क ही हमारा इन्वेस्टमेंट है चाचा, ये पैसे लेकर मैंने जहां बोला है वहां ले लो। प्रकाश पैसा लाया भाई। या अल्लाह, ये पैसे, इतना सारा पैसा, देखो कुछ लिखा भी है। खुदा हमारे और सिटी की लड़कियों की जिंदगी पैसों की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, ये पैसा उनकी अच्छी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना। पूरा 50 करोड़ था ना, 45 करोड़ तो हमने वहाँ दे दिया। 50 लाख यादव के अड्डे पे चल गए, बाकी 4.5 करोड़ बाकी के पैसे। Service tax.